अयोध्या में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 2 सालों से उद्घाटन की राह देख रहा है, जहां देखभाल के अभाव में अस्पताल परिसर में बड़ी बड़ी झाड़ियां हो गई है। बता दें कि रुदौली तहसील के सुनवा में करोड़ों रुपए की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया, जो 2 साल पहले बनकर तैयार हो गया। वह इसका उद्घाटन अभी तक नहीं हो सका है। अधिकारियों की लापरवाही के चलते आमजन को इलाज नहीं मिल पा रहा। ग्रामीणों को इलाज के लिए 20 से 25 किलोमीटर शहर की ओर जाना पड़ रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुनवा का मौका मुआयना हमारे संवाददाता विनय मिश्रा ने किया। सरकार ने लोगों की सुविधा देने के लिए जो है अस्पताल स्कूल का निर्माण कार्य तो करा दिया है, लेकिन वो केवल बन करके बिल्डिंग तैयार है, विभाग को हैंडओवर भी कर दी गई है, लेकिन अभी तक की यहाँ पे डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं है। और इस समय यहाँ पे शारदा न्यूज की टीम जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुनबा में है कि यहाँ पे 35 सैया का बेडों का अस्पताल ये बनकर तैयार खड़ा है। मैं यहाँ पे कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग यहाँ पे पूरी तरीके से बनकर के तैयार है। नियुक्ति भी हो चुकी है, एक चौकीदार एक वार्ड बॉय की है जो लगभग 2.5 सालों से यहाँ पे ड्यूटी भी कर रहे हैं। और यहाँ की जो क्षेत्रीय जनता है उनमें भी काफी रोष है कि वे अस्पताल बनने से हम लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है, हम लोगों को 20 से 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। और यहाँ पे हमारे साथ ग्रामीण भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम पड़ता है? अमर बहादुर सिंह। ये अस्पताल बना खड़ा है? हाँ, अमर बहादुर सिंह, ये अस्पताल बना खड़ा है। हम लोग को कोई परेशानी होती है तो खैरनपुर या मोहित दौरे जाए थे, और ये चल जाए तो हमें लोगों का बड़ी भारी सुविधा हो जाए। नहीं चालू होने के लिए अब कैसे कहे, जब आप जैसे आप आज मिलो है तो आपसे कही तो विधायक विधायक से नहीं कहे, विधायक हमारा 5 गज के बड़े बड़े उनका इसे घेरे रहा थी। नहीं, समस्या ये है पब्लिक की, पब्लिक की समस्या तो बहुत है। अब हम लोग यहाँ आए के नहीं और फिर वापस चले जाए, मजबूरी में हुआ दौड़े जाए थे। जी बहुत दिक्कत, हम लोग को दूर जाना पड़ता है, यहाँ पर है तो पास में है, देख दिखा ले, वहाँ पे रात भर कौन जाएगा इतनी दूर, किसी पास साधन है किसी पास नहीं है। 5-6 साल हो गया जी, नहीं चाहते हैं कि चालू हो जाए, दवा के लिए हमको ज्यादा फायदा मिले तो अच्छी बात है, दूर जाते हैं। आपने देखा कि ग्रामीण का साफ तौर पे कहना है कि निर्माण कार्य लगभग 2 वर्षों से पूर्ण हो चुका है, लेकिन अभी इसका जो से भी हम बात करते हैं कि ये जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है ये कितने दिनों से बना हुआ है? ये तो हमारे नियुक्ति सर 2019 में हुई थी, मई में। क्या नाम है? यहाँ पे क्या नाम पड़ता है? धर्मेंद्र कुमार जी। तब से जो हम जो वार्ड बॉय चौकीदार दो लोग हैं, यही आवास बन रहा है, आवास कंप्लीट हो जाएगा तो पूरा स्टाफ आ जाएगा, यही सुनाई पड़ता है। अभी शुरू नहीं हुआ? अभी चालू नहीं हुआ। आप किस पद पे हैं? हम तो सुपरगंज चौकीदार हैं। तो यहाँ मरीज आते हैं? अभी कोई नहीं आता। पूछने उछने के लिए पूछते हैं कि कहाँ वैक्सीन कहाँ लग रही है, सैदपुर भेज देते हैं, यहाँ से दूर जाना। और कोई आता है मेला वेला में, कोई दर्द हुआ बुखार हुआ, पूछते हैं साहब दवाई दो, ये सर दवाई तो नहीं भाई, बगल स्टोर से ले लीजिए। कितने बेडों का अस्पताल है? 35 बेड का है। 1.5 साल हो गए बने? 1.5 साल हो गया अस्पताल, 1.5 साल हो गया बने। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो CSC के चौकीदार हैं धर्मेंद्र, उनका साफ तौर पे कहना है कि 2019 से जो है इनकी नियुक्ति हुई है और यहाँ बराबर वो ड्यूटी भी दे रहे हैं। और यहाँ पे मरीज भी आते हैं पूछने के लिए कि डॉक्टर साहब कब तक आएंगे, कि उनको यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर रुदौली या फिर मवई या फिर सैदपुर जाना पड़ता है, जिससे काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। अब ये देखने वाला होगा कि अस्पताल कब चालू होता है और यहाँ की ग्रामीण जनता को इसका लाभ कब मिलता हुआ नजर आता है। विनय मिश्रा, शारदा न्यूज, अयोध्या।